जय साथियों, उत्तर प्रदेश में टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों के दो सबसे बड़े सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में नया आयोग कब बनेगा? आखिर उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य में अब कोई नई शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो कितने पदों पर होगा? क्या टेट परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी? अगर ऐसा है तो आखिर यूपी टेट कब तक होगा? यूपी टेट अब किसका इंतजार कर रहा है? पिछले 1.5 सालों में लगभग अभी तक यूपी टेट परीक्षा हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, और शिक्षक भर्ती परीक्षा पिछले 5 सालों से नहीं हो रही है। तो क्या अब भविष्य में इस बात की उम्मीद लगाया जाए कि क्या नई शिक्षक भर्ती आपके इस 2023 सत्र में हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में भी। मैं दुर्गे जायसवाल संडे स्पेशल लाइव वार्ता में आपके सामने हूँ और मैं आपके ढेर सारे सवालों के जवाब लेकर सप्ताह में एक बार आता हूँ, जहाँ पर हम आपके साथ लाइव बात करते हैं और कोशिश करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब जो भी हैं उनका जवाब लाइव सेशन में कर दें। तो आप सभी का स्वागत है और आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। एक एक करके सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और सभी जो आपके मन में संशय है उसको भी दूर करेंगे। अभी तो केवीएस परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। केवीएस परीक्षा की मैराथन क्लासेज शाम के 7 और 9 बजे चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यूपी टेट और सीटेट पास अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के एक नई शिक्षक भर्ती का बाढ़ जो रहे हैं, उनके लिए कब ये खुशखबरी आएगी कि सुपर टेट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं? तो जी हाँ, पहले तो जान लीजिएगा कि यूपी टेट परीक्षा के बाद ही नई शिक्षक भर्ती परीक्षा हो पाएगी, ये बात आप पहले से जानकर बैठे हैं। क्योंकि अब इस पर बहुत सारे तर्क वितर्क होंगे, सर अभी तक कितनी बार टेट हो गए हैं, अब सुपर टेट हो जाना चाहिए, क्या अभी टेट होगा? तो जो टेट पास उनके लिए तमाम तरह के आर्गूमेंट होंगे, तमाम तरह के सवाल होंगे, लेकिन जो अभी तक टेट पास नहीं है उनके लिए एक मौका है कि जल्दी से हम टेट पास करें और एक नई शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठें। लेकिन आखिर भर्ती कब होगी? तो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों बीटीसी और बीएड का जो केस चल रहा है, और उस केस से आप शायद भी परिचित होंगे, उस केस के समाप्त होने के बाद ही हमें इस प्रकार की कोई सूचना कोई न्यूज मिल पाएगी कि हो पाएगी। और आप जानते हैं कि ऑर्डर रिजर्व हो गया है, होली के आसपास ऑर्डर डिलीवर होने की संभावना है, क्योंकि न्यायालय के ऊपर होता है कि न्यायालय कब डिलीवर करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो कर देंगे, 6 महीना 8 महीना 2 महीना 1.5 साल 2 साल वो मान्य न्यायालय का विशेषाधिकार होता है, उस पर किसी प्रकार टिप्पणी नहीं कर सकती। तो ये उम्मीद लगा जा रही है कि होली के आसपास आपका ऑर्डर डिलीवर होगा। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद ये पता चल जाएगा कि जो नई शिक्षक भर्ती है उसमें बीटीसी बीएड के साथ है या नहीं है, बीएड जो है बीटीसी के साथ है या नहीं है। लेकिन उम्मीद ये लगा रही है कि नहीं, दोनों साथ रहेंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो उस दशा में आपके जो टेट परीक्षा 2021 हुआ उसकी सबकी मार्कशीट जो है वो रिलीज की जाएगी और सभी एक बार फिर से अपना मार्कशीट अंक देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा। दूसरी बात, सभी के जो मार्कशीट है जिन जिलों से उन्होंने परीक्षा दी वहाँ पे मार्कशीट छपवा के उनके जिलों में भेज दी जाएगी, उनके डायटो में। दूसरी बात, फिर नया जो जियो तैयार किया जाएगा यूपी टेट का, नया जियो जो होगा वो नया आयोग तैयार करेगा या पीएनपी कराएगी, यह बात अभी तय नहीं है। नई शिक्षक भर्ती नया आयोग कराएगा, लेकिन जो यूपी टेट है क्या वो नया आयोग कराएगा कि नहीं कराएगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। इस पर जो अभी तक सरकार की तैयारी रही है, इस बजट सत्र में वो इस बात को भी मेंशन करेंगे, उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा आयोग बनेगा जो प्रतिवर्ष शिक्षकों को नियुक्ति देने का काम करेगा, प्रतिवर्ष शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की काम करेगा, प्रत्येक वर्ष मतलब एक भर्ती के बाद दूसरी भर्ती के बाद क्रमवार रूप से कराएगा, और जो मामला न्यायालय में जाकर काफी समय तक लंबित रहता है उस पर भी लगाम लगे, जो प्रश्न को लेकर होता है, गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी तमाम बार आयोग के ऊपर पीएनपी के ऊपर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार, उसको भी दूर करने के लिए इस आयोग की गठन किया जाएगा। वो आयोग ही यूपी टेट और सुपर टेट कराएगी। अब प्रश्न है कि कब कराएगी? तो देखिए, दोनों को जो शेड्यूल है वो एक साथ जारी होने की संभावना है। जैसे कि अभी आपने देखा 69,000 68,500, मैंने पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो जो भर्ती का विज्ञापन है वो टेट के साथ ही पता चल जाता है, इतने पदों पर भर्ती होने वाली है, इतने पदों पर भर्ती आने वाली है। मैंने आने वाला जो परीक्षा है आपके लिए जीवन के रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उस परीक्षा के बाद आपके पास कोई मौका बचने को मिलेगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उस आयोग के माध्यम से आप टेट परीक्षा और उसी आयोग से सुपर टेट करा पाएंगे, दे पाएंगे, यह बात लगाई जा रही है। और जो एग्जामिनेशन फीस अभी टेट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या नया गठित होने के बाद क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो फीस होंगे, जो टेट के जो फीस होंगे क्या वो कम होंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। जी हाँ, उस पर भी लगाम लग सकता है, जो आपके टेट फीस जो 400-500 रुपये थी वो भी अब 100-200 रुपये के बीच आ सकती है। दूसरी बात, महिलाओं को भी छूट मिल सकती है, जो टेट परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा होगी, उसमें विकलांग अभ्यर्थियों को भी मिल सकती है छूट। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि नया जो आयोग गठित होगा उसमें आपको ये सुविधाएं मिल सकती है।
दूसरी बात यह है कि कैलेंडर जारी होगा, वार्षिक कैलेंडर, उस कैलेंडर के हिसाब से आपकी परीक्षाएं होंगी, प्रश्न पत्र जारी होगा, परीक्षाएं होंगी, उत्तर कुंजी जारी होगी और संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी, तो ये सारी चीजें होंगी जैसे सीबीएसई सीटेट के लोग कराता है अलग से, उसी की बॉडी लेकिन अलग परीक्षा कराकर सारा काम समय से कर देता है। उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश में अभी आप देख रहे होंगे कि सभी जिलों की प्रमोशन प्रक्रिया जो थी वो अप्रैल तक समाप्त करने की बात की गई। अप्रैल 30 अप्रैल तक जो सारी प्रक्रिया है प्रमोशन की उसे पूरी कर ली जाएगी। उस प्रमोशन प्रक्रिया के बाद ही जो उत्तर प्रदेश में जो समायोजन की प्रक्रिया है, जो ट्रांसफर की प्रक्रिया अंतर जनपदी है अंतर जनपदी है, उसको करने के बाद एक डाटा सरकार के पास आ गया कि कितने पद रिक्त हैं। अब एक सवाल आ रहा है कि सर माननीय सरकार ने भी विधानसभा सत्र में कहा था कि उनके पास जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बराबर है, लेकिन जो भी शिक्षक अनुपात था वो भी पिछला जो आंकड़ा है तो उस आंकड़े के हिसाब से था। अभी जो 30 अप्रैल 2023 है, अब इसके जो आंकड़े आएंगे वो एकदम साफ और स्पष्ट कर देंगे कि अब उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में कितने कितने पद खाली हैं। क्या इन पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया कराई जाए या जैसे 20,000 20,000 20,000 हर साल दिया जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर भी मंथन हो रहा है। मतलब आयोग, ये आपको लग रहा होगा कि नहीं माननीय सरकार बैठी है वो काम नहीं कर रही है, तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं, जी नहीं, सभी पर विजय किरण सर हर एक पहलू पर हर एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अभी पेपर में गजट आउट हुआ था, एक पेपर में भी देखा होगा आप लोगों ने कि 51,000 पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं की भर्ती होगी, इस तरह सवाल कई तरह नहीं कई न्यूजों पर चल रहा था। तो वहां पे जो बेसिक की बात है, वहां पे न्यूज चैनल के माध्यम से या जहाँ पे हो रहा था वहां से उनके द्वारा टूटी हुई थी, वो इस बेसिक की बात हो रही थी, मैंने प्राथमिक में ही बात हो रही थी कि जो प्राथमिक टीचर प्रमोट कर जूनियर में जाएंगे, जूनियर में जानेंगे या तुमको हेडमास्टर बनाया जाएगा, इस तरह की जो बात होगी तो पद और रिक्त हो जाएगा, इस पदों के सापेक्ष नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। तो यहाँ पे दो बात आपके सामने, एक वो जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो जब भर्ती आएगी तब आवेदन करेंगे, उनके लाइन में हो सकता है बहुत सारे लोगों, लेकिन आप अभी से अपनी तैयारी को जारी रखेगा, मैं बार बार कहूंगा अभी से आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जारी रखेगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि देखिए पद जो होगा वो कम होगा, 50,000 हो सकता है, 60,000 हो सकता है, 63-68,000 पद होंगे, 20,000 भी हो सकता है, तो जो पद कम होंगे तो आपके भर्तियों की संख्या 8 लाख है, तो क्या आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा? 2 लाख भी पद आता है सबका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको ये पता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं? मेरा आपसे सवाल है कि आपको इस बात का भरोसा है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी? अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कॉन्फिडेंस के साथ हाँ, तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप पढ़िए मत और आप फेसबुक पर यूट्यूब पर कमेंट करिए भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा कहती नहीं है, हो सकता है मेरा ना हो सकता है मेरिट में बाहर हो जाऊँ, हो सकता है तैयारी खूब ज़्यादा हो लेकिन जहाँ से प्रश्न आए वो परीक्षा में ना पूछे जाए, मैंने जो मैं पढ़ कर आऊँ वो परीक्षा में ना आए तो पेपर टफ है, और जो मैं पढ़ कर जाए वही पेपर में सवाल आ जाए पेपर सरल है, हो सकता है पेपर कठिनाई स्तर हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है हम मेरिट से बाहर हो जाए, हो सकता है आपका गोला भरा जाए। एक सवाल आ रहा था कि सर क्या आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा ऑनलाइन होगी जैसे उन्होंने दरोगा भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराई है? नहीं, अभी जो यूपीटेट परीक्षा होनी है वो ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगी, तो एक बात आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो वो हो सकता है OMR भरने में आपसे गलती हो जाए, अगर OMR गलत भरा गया तो भी आप रेस से मारो, कितनी बड़ी तैयारी हो। तो मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि इस वर्ष के अंत तक, नए वर्ष के प्रारंभ तक, मतलब नया वर्ष बड़ा लंबा अंतराल ले लिया, आपको शिक्षक भर्ती देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन इस वर्ष के अंत की बात करें तो अक्टूबर नवंबर की बात होगी, या बहुत ज्यादा विलंब होगा तो नया वर्ष शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता से पहले आपकी भर्ती का पिटारा खुल सकता है। तो उस दशा में एकदम बात साफ स्पष्ट समझ लीजिएगा कि जो मेहनत से पढ़ रहे हैं उन्हीं को सिलेक्शन मिलेगा, जो इस बात के भरोसे बैठे हैं कि भर्ती आएगी तब हम पढ़ेंगे, वो भर्ती से हाथ पैर दोनों धुल सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपनी तैयारी को बेहतर करिए, किसी के अफवाह में मत आइए, अपना बेस्ट दीजिए, जितना बेस्ट दे सकते हैं, जितना बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। अभी आपके लगभग 21 विषय हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर कब सुपरटेट में 21 विषय हो गए थे। एक सवाल आता सर क्या सिलेबस बदल जाएगा तो क्या होगा? सिलेबस क्या बदलेगा? हिंदी आपका भाषा रहेगा, अंग्रेजी आपका लैंग्वेज रहेगा, संस्कृत आपकी लैंग्वेज रहेगी, गणित आपकी रहेगा, GSG के विविध रहेगा, साइंस आपका रहेगा, CDP शिक्षण का रहेगा, कंप्यूटर अभिरुचि रहेगी, अब कैसे सिलेबस बदल जाएगा? सिलेबस में कुछ चीजें ऐड होंगी, निकलेंगे नहीं, मेरी बात समझिएगा, सिलेबस में कुछ चीजें ऐड होंगी, निकलेंगे नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं इंटरव्यू होने लगेगा, तो मुख्यमंत्री जी ने एकदम साफ साफ स्पष्ट ट्विटर के माध्यम से कह दिया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर जब आप ये बातें पता है कि सिलेबस में जुड़ेगा, घटेगा नहीं, गणित नहीं घटेगा, हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगी, संस्कृत भाषा भी रहेगा आपके साथ, और अभिरुचि भी रहेगी, और शिक्षा जो टीचिंग जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड है वो भी आपका रहेगा, फिर जब चीज़ आपको पता है ये चीज़ें रहेंगी,
नई चीज से नई शिक्षा नीति जुड़ेगी, ठीक है, आरटी 2009 था, एनसीएफ 2005 पहले से ही था, ठीक है, तो नई शिक्षा नीति जुड़ गई, तो ये चीजें एड ऑन हो रही है, जुड़ रही है, आपको घट नहीं रहा है। तो ऐसे लोग से भी बचेगा जो गुमराह करने के लिए हैं, लेकिन अंत में सफल वही होगा जो प्रतिदिन अपना पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। अच्छा, करंट को लेकर मैं बार बार स्पष्ट कर दूं फिर से, करंट के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे इलनी विद दुर्गेश पर करंट अफेयर की सीरीज आती है, जिसमें थ्योरी, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू कराते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी आप टेलीग्राम पर जाएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा वहाँ से, और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप में जाएंगे, सर्वे सौरभ जी ने वहाँ पे एक फोल्डर बनाया है करंट अफेयर का, वहाँ पर उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, आप जाकर वहाँ से करंट अफेयर डेली का डेली डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और उसमें क्या है, थियरी है, उसके एमसीक्यू है, तो क्योंकि एक साल का करंट पूछा जाता है, इसलिए हमने शुरू कर दिया। अभी करंट पढ़े या ना पढ़े, लेकिन परीक्षा के समय आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप चाहें तो करंट को डेली डेली पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट के साथ हम विविध भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि विविध जो है आपकी परीक्षा की जान होती है। तो जो प्रतिदिन करंट की सीरीज होती है, उसमें करंट के साथ साथ विविध भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे इस सीरीज में, इस सेशन में आप बने रहें, और तब तक डेली के डेली सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी, सुबह 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश की यूट्यूब पर आ जाएगा और टेलीग्राम पर भी आ जाती है। तो ध्यान रहे कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि अगर आज आज आप सो गए, तो फिर कल को हमारा समाज, हमारा परिवार फिर कोसेगा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम खाली ऐसे पढ़ते रहोगे, ऐसे तैयारी करते रहोगे। अब मौके आपके हाथ में है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तब ये सारी लकीरें चिंता की और ये सारी समस्याएं हट जाएंगी। लेकिन आज आपको खुद से लड़ना है और अपने आप को खुद से मजबूत रखना है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, मैं हर हाल में सफल होऊंगा, हर हाल में सफल हो जाऊंगा, यह बात अपने आप में रखनी होगी। बहुत सारी बात आएंगी जब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, कुछ लोग गुमराह कर देंगे, अरे तुम्हारा नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तब अपने आप को खुद को मजबूत करिएगा और खुद पर भरोसा रखिएगा कि हम आप एक मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, हमारे लिए हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत ही हमारी सब कुछ है, और अगर मेहनत में जरा सा भी कमी रह गई तो सफलता से कोसों दूर हो जाएंगे। मौके जिंदगी कम देती है, इस बेरोजगारी के दौर में आपने ये बात सीख लिया होगा कि जिंदगी बहुत कम मौके देती है, और यह मौका आने वाला आपके लिए स्वर्ण पदक जैसा है। अब आपको पता है कि भर्ती आनी ही आनी है, देर होगी लेकिन होगी जरूर, तो फिर कछुए के चलते चलते रहिए, जो खरगोश बनेंगे वो कल को जरूर पछताएंगे, और हम नहीं चाहते आप कल को इस बात को लेकर अपने आप को कोसें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रेस से बाहर हो गए, 68,500 में भी नहीं हुआ, 69,000 में भी नहीं हुआ, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जैसे बी टी सी ए बी एड किया उनका हो गया, 68,500 जैसे बी टी सी किया वैसे उनको नौकरी मिल गई। तो ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, और आपके पास किसी के पास 4 साल, 3 साल, 2 साल गैप के बाद भर्ती देखने को मिलेगी। मैं चाहूँगा कि आप अपने तरफ से कोई कमी ना रखें और अपना बेहतर, अपना बेस्ट दें। अंत में सफल वही होगा जो मेहनत करेगा, जो निरंतर मेहनत करेगा, और ऐसे लोग जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर केवल कमेंट करते हैं, टाइम पास करते हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे और अपने परिवार, अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा, आपके अंदर जुनून है। बहुत सारे हाउसवाइफ भी वीडियो को देख रहे होंगी, वो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारे परिवार में ताना मारते हैं, ससुराल में मायके से, मैं मेहनत करूँ, काम करूँ, फिर मैं कब पढ़ूँ। उनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा है, तो उनको भी मेहनत करते रहना है, किसी अफवाह में नहीं आना है, क्योंकि आपकी निरंतर मेहनत आपको एक दिन इस गृहस्थ जीवन से एक सहायक अध्यापिका तक लेकर जाएगा। वो सारे ऐसे भी लड़कियाँ होंगी जो इस बात को लेकर दुखी होंगी कि हम नौकरी पाएंगे तभी शादी करेंगे, घर में ताने आ रहे होंगे, अब कितना आपको पढ़ाएं, इतना दिन से पढ़ाया जा रहे, भर्ती नहीं आ रही, अब तो कर। लेकिन उनकी मेहनत में कमी मत करिएगा, खुद से मत टूटिएगा, और दुनिया कोई ताकत आपको नहीं तोड़ सकती। आने वाले भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। बहुत सारे ऐसे बाप भी होंगे जो उनकी शादी हो गई, वो बच्चे होंगे, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि आप ही नौकरी नहीं रही, कहाँ से कमाए, कैसे करें, तो कुछ भी करिएगा, मैनेज करिएगा, एक टाइम कम खाइएगा, लेकिन मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि आने वाला दिन आपकी इसी मेहनत का परिणाम होगा कि आप एक सरकारी शिक्षक होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 17, 18 बैच, 19 बैच से पास आउट होंगे, दूर दराज रह के तैयारी करते होंगे, अब उनके किसी की शादी पड़ी होगी, हो गई होगी, और कुछ इस बात पर परेशान होंगे, मैं क्या मुँह लेकर जाऊँ घर, मैं कब तक पढ़ता रहूँगा। तो वो भी ये बात जान लें कि आपकी निरंतर की हुई मेहनत अंत में आपके सफलता की वो सबसे बड़ी उजाला होगी, जिससे आपका आने वाला जीवन स्वर्णिम और प्रकाशमय हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं। जिंदगी हमेशा चैलेंज था, चैलेंज है और चैलेंज रहेगा। कभी 183 रन बनाने पर विश्व कप मिल जाता था 50 ओवर के, लेकिन आज एक 2020 मैच में भी 250 से ज़्यादा रन बन जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि पिछली बार हमने इतना किया था, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, अब कंपटीशन बढ़ रहा है। ये छोटा सा एग्जांपल इस बात को सिद्ध करता है
अब कंपटीशन बढ़ रहा है, अब आपको और ज्यादा नंबर लाने हैं, अब आपको और ज्यादा अंक लाने हैं, तब जाकर आप अंतिम रूप से सफल होंगे। पिछले बार से ज्यादा आपको मेहनत करनी है कि अब लोगों की भीड़ ज्यादा है, अब 7 से 8 लाख लोग हैं जो टेट सीटेट पास हैं और एक नई शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहरी राज्य के भी हैं, उत्तर प्रदेश में वो आवेदन करके नौकरी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी लोगों हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, जो आप ये कहते हैं मैं अभी नहीं पढ़ूंगा भर्ती आएगी तब पढ़ूंगा, तो एक छोटा सवाल है, उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मैं तभी पढ़ाई करूंगा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भर्ती आएगी तब मैं पढ़ाई करूंगा, तो जरा मुझे कमेंट करके एक बताएं कि आपको लग रहा है कि आज अगर आपकी भर्ती आएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आपकी तैयारी पूरी है? बस इस सवाल का जवाब खुद से दीजिएगा और खुद से पूछेगा कि आखिर आपका सिलेक्शन क्यों होगा? ऐसा आपके अंदर क्या है जो और 7 लाख लोगों में नहीं है? ऐसा क्या हो जाए आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? आप पहले इस बार आने वाली शिक्षक भर्ती में आप परीक्षा देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगा या मिल जाएगी, ऐसा क्या आपके अंदर है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर शिक्षक भर्ती के लिए एक अलग से यूट्यूब चैनल सौरभ जी का है, ध्यान सुनिएगा, सुपर टेट विथ दुर्गेश सर, सर्च कर लीजिएगा सुपर टेट विथ दुर्गेश सर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर सुपर टेट के सभी निःशुल्क क्लासेस चल रहे हैं, उसके अलावा यदि कोई क्लासेस की जरूरत पड़ेगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा, और इंस्टाग्राम पर अपने कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश के, और इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस सीरीज होती है वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश की फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाती है, आज ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। जैसे जो PDF नोट्स है, जैसे सुपर टेट की नोट्स है, यूपी टेट की नोट्स है, करंट अफेयर की नोट्स है, वो आपको कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जुड़िएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से ज्वाइन कर लीजिएगा, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, क्योंकि प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको सुपर टेट के 25 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो जल्दी वहाँ पर जाइए और डाउनलोड करके उन प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करिए और देखिए कि खुद में कितना आपका ग्रोथ हुआ है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को सभी को शेयर करिएगा जिस बात को लेकर परेशान है कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, नया आयोग कब बनेगा और कब आप सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दिया होगा और अपने साथियों तक पहुँचा दिया होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी को जो अपनी मेहनत से अपनी तैयारी को कर रहे हैं और वो जरूर कल का सरकारी शिक्षक और शिक्षिका जरूर बनेंगे। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। नोट्स के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं, उसका नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। घर बैठकर आप सभी नोट्स मंगा सकते हैं, अभी चाहे तो आप खुद सेल्फ स्टडी करें, खुद का भी नोट्स बनाएं, लेकिन हो सकता है आपको एक रास्ता मार्गदर्शन मिल जाए, इसके लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के भी नोट्स आप घर बैठ कर मंगा सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप माँ बाप का साथ, आपके परिवार का साथ है और आप मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़िएगा। आपकी आज की मेहनत आने वाले भविष्य के लिए स्वर्णिम और सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आएगा। जय हिंद, बाय बाय। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करिएगा। थैंक यू।